Y test, which is quite important test for heterozygosity, but इसमें आप कहते हैं कि पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जो normality वाली assumption थी, ये वो नहीं मानकर चलता कि हम जैसे हमने कहा था कि जो BPG है या फिर जो goldfield quant है, वो हमने assume किया था कि वो normally distributed वाली assumptions को मानकर चलते हैं कि UIs are normally distributed. बट यहाँ पर कहते हैं कि वाई टेस्ट डज नॉट रिलाई ऑन द नॉर्मेलिटी अजम्पशन. कि फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि इट डज नॉट दिस टेस्ट वाई टेस्ट डज नॉट रिलाई ऑन द नॉर्मेलिटी अजम्पशन एंड इज ईजी टू इम्प्लीमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द बेसिक आइडिया कंसिडरिंग द थ्री फॉलोइंग थ्री वेरिएबल्स. अब वाई टेस्ट में हम मानकर चलते हैं कि हम जैसे अभी तक हम कर रहे थे एक वेरिएबल ले रहे थे एक्स, यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि मोर देन वन वेरिएबल. अब इस वाले एग्जाम्पल में उन्होंने लेकर चले हैं कि लेट्स से दे आर टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड वन, मतलब टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल. तो टू इंडिपेंडेंट कौन कौन सा हो गया, एक्स टू एक्स थ्री आए. अब ये थ्री वेरिएबल मॉडल क्यों है कि एक तो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और दो हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब हम करेंगे वाई टेस्ट स्टेप बाय स्टेप. अब ये कहते हैं गिवन द टेस्ट वी एस्टिमेट एंड ऑप्टेन द रेजिडुअल्स यू आई हैट. वही जो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं हर टेस्ट में कि एस्टिमेट करेंगे और ऑप्टेन करेंगे रेजिडुअल टर्म्स यू आई हैट. सेकेंड स्टेप है वी रन द फॉलोइंग ऑक्सिलरी रिग्रेशन. ऑक्सिलरी रिग्रेशन का मतलब क्या है कि एक तो आप स्क्वायर टर्म्स लेंगे एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, कि एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप क्या लेंगे, जो एक्स टू और एक्स थ्री हैं उनकी स्क्वायर वैल्यूज भी लेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू भी लेंगे. ठीक है, तो ऑक्सिलरी रिग्रेशन में हम पहले तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो लेते हैं, फिर उनकी स्क्वायर वैल्यूज लेते हैं और फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी लेते हैं. ठीक है, अब हमने ये लिया तो अब आपका हो गया अल्फा वन प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव अल्फा सिक्स. अब ये कहते हैं इन केस वही वाली चीज जो हमने कहा, अगर इनकी पावर अगर अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव और अल्फा सिक्स यहाँ जीरो हो जाते हैं, यानी कि आपका यू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई अल्फा वन, दिस मीन्स फिर से वही कांस्टेंट वैल्यू है और होमोसेडास्टिक है. अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट हमने बीपीजी टेस्ट किया था उसमें हमने बोला था कि हमने इसको लिया था टर्म्स किसकी टर्म्स में, जेड की टर्म्स में. ठीक है, हमने बोला था कि हम इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन शो नहीं करेंगे यू आई स्क्वायर और एक्स के बीच में, और यू आई हैट स्क्वायर यहाँ पर क्या है, प्रॉक्सी है किसका, सिग्मा आई स्क्वायर का. ठीक है, अभी कह रहे हैं कि हमने जैसे लास्ट बीपीजी टेस्ट में हमने यहाँ एक्स टू एक्स थ्री इनकी जगह हमने जेड यूज किया था, बट वाई टेस्ट में हम डायरेक्टली जेड एक्स को ही यूज करेंगे. ठीक है, कि एक्स क्या होता है, नॉन स्टोकास्टिक वेरिएबल्स होते हैं, तो हम डायरेक्टली एक्स को ही यूज करेंगे वाई टेस्ट में. तो एक तो चीज ये होगी. अभी कह रहे हैं कि अगर इन केस बीटा ये अल्फा टू टू अल्फा सिक्स, अगर यहाँ इन सबकी वैल्यू जीरो होगी तो होमोसेडास्टिक है क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म बन जाएगा ये, और अगर नॉन जीरो होगी तो हेट्रोसिडास्टिक है. अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं अब फिर से हम नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस क्या है कि आपका देखो ये वाले जो काय स्कोर को डिफाइन किया गया है इस टर्म से, हर जगह आपको ये याद रखना है कि जो आप मतलब एक तो टेस्ट कौन सा ले रहे हो और उसका फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो. जैसे लास्ट टेस्ट में हमने काय स्कोर का एस्टिमेटर लिया था ये, और इसका फॉर्मूला हमने यूज किया था 1/2 ESS. इस वाले में हमने जो रिग्रेशन का काय स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे वो लेंगे n इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, आर स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा आपका कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन सॉरी. ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया कि हमने कहा कि n इंटू आर स्क्वायर, हमने इस काय स्क्वायर को डिफाइन किया कि इसका फॉर्मूला क्या है n इंटू आर स्क्वायर. अब यहां पर कह रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, जो लास्ट हमने किया था m माइनस वन उसी तरह होगी. मीन्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ क्या होती है कि नंबर ऑफ रिग्रेसर्स एक्सक्लूडिंग द कॉन्स्टेंट टर्म, कि हम नंबर ऑफ रिग्रेसर, यहाँ रिग्रेसर कौन कौन से हैं, बीटा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव अल्फा सिक्स, दीज आर द रिग्रेसर्स. और ये कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग द इंटरसेप्ट टर्म, अगर हम अल्फा वन को छोड़ देते हैं तो आपकी कितनी टर्म्स बच गई, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी आपकी 5. तो यानी कि टोटल आपके नंबर ऑफ रिग्रेसर 6, 6 माइनस 1 इज 5. तो हमने एक्सक्लूड कर दिया किस टर्म को, इंटरसेप्ट टर्म को, कांस्टेंट टर्म को सॉरी. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब आपका ये हो गया, या अब हम यही कहेंगे अगर इसकी ये हो गया आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर अभी ये वैल्यू ज्यादा आती है काय स्क्वायर की एज कंपेयर टू द टेबुलर वैल्यू या फिर क्रिटिकल वैल्यू, तो हम वी विल
reject the null hypothesis, otherwise we will accept the null hypothesis. If we reject the null hypothesis means hetero, if we will accept the null hypothesis means homosodastic.